यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि हम भी ठीक हैं। तो अभी हम जा रहे थे पराठे लेने के लिए, तो मैंने सोचा मैं आपसे छोटी सी वीडियो आपसे शेयर कर लूं। तो अगर आप हमारे चैनल पे आए गए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी करिएगा हमारी वीडियो को, और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच जाए। ये देखें मेरा बेटा बेबी। तो फिर चले हम जाते हैं पराठे लेने। अभी अपने हस्बैंड से भी मिलवाती हूँ। आज बस पराठे खाने का मूड था मेरा ना, और बाज़ार के पराठे जो होते हैं ना चाय से, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया था। कल बनाई थी नली बिरयानी, तो वही हम लोगों ने खाई थी कल। बहुत मज़े की बनी थी नली बिरयानी। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें आप लोग ना। और वो देखें, वो दिख रहे होंगे आपको, वो देखें वो तैयार हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सब यूट्यूबर्स टीम को मेरा सलाम। यकीन करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो हम कहाँ जा रहे हैं फली? हम जा रहे हैं पराठे लेने। तो हम जा रहे हैं पराठे लेने के लिए, ठीक है? फिर आपको वहाँ जाके दिखाते हैं हम। तो गाइज हम आ गए हैं ये पिशावरी पर पराठे लेने के लिए। तो ऐसे ही हमारे साथ बंधे रहिएगा, हम आपको दिखाएंगे कि पराठे कैसे बनते हैं। और ये मेरा बेटा सो रहा है मेरी गोद में, तो ऐसे ही हमारे साथ रहिएगा। ये देखें गाइस, ये पराठे बन रहे हैं। ये पिशावरी होटल है। ये देखें ये कितना बड़ा होटल है, ये 24 आवर्स चलता है। ये सामने चपली कबाब का है काउंटर। ये देखें ये कितना बड़ा होटल है। ये देखें ये बिरयानी का काउंटर है, वो उधर जो है रोटी और निहारी, और यहाँ चपाती और पराठे लगते हैं। ये देखें ये पराठे लग रहे हैं। बहुत टेस्टी पराठे होते हैं, तो आप ज़रूर आएँ इधर, जो इधर रहते हैं शाह फैसल में, तो आपने तो खाए होंगे। तो अगर कोई दूर दराज रहता है तो शाह फैसल आना हो तो यहाँ के पराठे ज़रूर खाइएगा, टेस्ट करिएगा आप। ये देखें गाइस ये तैयार हो गए पराठे। तो गाइज हमने पराठे ले लिए हैं। ये देखें ये मेरे वाइफ के हाथ में है, और ये मेरा बेटा सो रहा है, बहुत गर्म हो रहे हैं। और ये देखें अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, तो ऐसे ही हमारे साथ बंधे रहिएगा, हम घर जाके आपके साथ शेयर करते हैं इंशाल्लाह। घर पर जाकर आपसे मिलते हैं, ऐसे ही हमारे साथ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे साथ बंधे रहिएगा। बाहर का दिखाते हैं हम आपको आगे से ना। ये देखिए मेरा बेटा सो रहा है, पराठे हमने ले लिए, और ये देखिए रास्ता। तो चलें फिर व्यूअर्स हम घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है, लेट नाइट हो गई है, अब हम घर जाके आपसे मिलते हैं, ठीक है? तो व्यूअर्स हम घर आ गए पराठे पराठे लेके। बहुत मजा आया, बहुत सर्दी थी आज बारह ना। हाँ, बहुत ठंड थी यार, बहुत ठंड थी। और देखिए मेरा बेटा वो खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है? खेल रहा है मेरा बेटा। तो अभी मैं पराठे के साथ जो है ना, मैं चाय बना रही थी। पराठे तो मैं लेकर आ गई, मेरी आंखों में भी देखे मिट्टी हो रही है।
क्योंकि बाहर बहुत हवा चल रही ठंडी ठंडी और बाहर बहुत ठंड हो रही है। तो देखिए पराठे इसके साथ में अंडे बना लेती और मैंने कढ़ाई बनाई थी वो भी थी और बिरयानी भी थी कल जो मैंने बिरयानी बनाई थी। तो हमारा गैस जो है ना देखें वो ऐसा आ रहा है, बस ये आता हमारा रात में गैस इतना सिलो सिलो। तो ये हमारी चाय बन रही है, अभी पकने में इनको बहुत टाइम लगेगा क्योंकि गैस ही बहुत हल्की आ रही है देखें। तो फ्राई पैन पहले मैंने गरम कर लिया, अब इसमें डाल दूंगी मैं ऑयल। ठीक है फिर मेरे हस्बैंड दिखाते हैं आपको कि मैं क्या क्या काम करती हूँ। टमाटर और जो है ना वो हरी मिर्चें वो देखें तेल में हम इसको नरम कर लेंगे बिल्कुल टमाटरों को। फिर इसमें हम अंडा डाल देंगे फेंट के नमक वाला, ये देखें सादा अंडा। दो अंडे हमने ले लिए इनको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे और ये खड़े मेरे हस्बैंड लगे हैं मोबाइल में। और जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। ठीक है तो गैस हमारी बहुत स्लो स्लो आ रही है और टमाटर नरम होने में ना इसलिए टाइम लग रहा है। टमाटर जो है ना अच्छी तरह से ना नरम हो गए। मैं ना ऐसे अंडा शॉप से खाती हूँ, तो आप में से कौन कौन ऐसा अंडा शॉप से खाता है कमेंट में लाजमी बताइएगा मुझे। बाहर हम गए पराठे लेने के लिए, बहुत तेज ठंड हो रही थी, मज़ा भी आया हमें। काफ़ी टाइम बाद हम निकले थे। अब डाल देते हैं इसमें अंडा, अंडा जो हमने फेंट के रखा हुआ था ना। गैस बहुत हल्की आ रही है हमारी, हमने किचन देखी कैसे क्लीन होता है। तो अब डाल देंगे इसमें अंडा, अंडे में हमने नमक डाल दिया। ठीक है इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। जी जी ये रही मम्मा किचन में। नहीं गैस ना बहुत स्लो स्लो आता है इस टाइम पे हमारा, तो अभी अभी हम पिशावरी से लेकर आए पराठे। पिशावरी रेस्टोरेंट सब जानते होंगे, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह की लाइन में ये पिशावरी आगे जाके। मुझे वहाँ के पराठे बहुत पसंद है। ये आ गया हमारा शहजादा, शहजादे के सर में भी तेल डला हुआ है आज। जी जी मीना बच्चा टोपा फेंक दिया नहीं। मेरे शहजादे के सर में भी तेल डला हुआ, मैंने भी तेल डाला हुआ आज, हम तेल फैमिली बने हुए। ये देखो उन्होंने निकाल दिया। ये टोपे का क्यों निकाला आपने? हाँ ये देखें ये क्या करा है आपने भाई, मुझे झाड़ है उससे। मुझे शुरू से ना टमाटर का और हरी मिर्चों का अंडा पसंद है। चलिए जी अंडा तल जाता है ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चाय भी हमारी बन चुकी है, इसमें हम दूध डाल देंगे। तो यहाँ सिलोली सिलोली हमारा अंडा भी बन रहा है, सिलोली सिलोली हमारी चाय भी बन रही। चाय को ढक देंगे ताकि जल्दी उबाल आ जाए। ये भी एक ट्रिक है कि ढक के पकाओ तो जल्दी उबाल आता है। और गैस देखें बस यही गैस है। यही गैस आ गई। आप भी हमारे साथ खाना खाएं। बन गया हमारा अंडा। ठीक है अब दिखाती हूँ मैं चाय निकाल लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चाय बन चुकी है, देखिए उसमें उबाल आना भी शुरू हो गया है। और यहाँ मेरे बेटे की फरमाइश आई थी हाफ फ्राई अंडे की,
तो सैंडविच बना के खाएंगे। तो उन्होंने बोला मुझे मामा बना दें, तो उनके लिए भी मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया फ्राई अंडा। और अब मैं चाय निकाल लूँ और हमारे पराठे तो रेडी हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, मैं लेकर आई थी मैंने बनाए पराठे पेशावरी से। चाय निकाल लेते हैं हम, है ना। मैं इसलिए तो बोल रही हूँ, मैं आपको फीका बना के देती हूँ। चलिए पानी देती हूँ मैं आपको ना, फीका बना के। फीका फीका नहीं फीका काम कर रहे हो ना, पीछे से बच्चे भी तंग कर रहे, तो बड़ा मुश्किल आता काम करना। तो गर्म गर्म चाय जी जिसने पीनी है सर्दियों में हमारे साथ, तो आके वो पी सकता है हमारे साथ चाय। तो आ जाए जी जिसने पीनी है चाय। एक हाथ से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, एक हाथ से मैं चाय निकाल रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और गैस देख के ना मुझे गुस्सा आ रहा है, गैस सिलो सिलो आ रही हमारी। ये देखिए ये थोड़ी सी चाय जो है ना, ये मेरे बेबी की है, उनको मैं देती हूँ थोड़ी सी चाय सर्दियों में, शाम में रात में सोने से पहले, मतलब दोपहर में, मतलब सुबह में नहीं पीते नाश्ते में, ये शाम में ही पीते हैं। तो चाय भी हमारी जी रेडी हो गई है, यहाँ उठा के यहाँ रख लेते हैं काउंटर पे। बस हमारा खाना बन चुका है, आ जाएं जी जिसने खाना हमारे साथ। ये कढ़ाई का सालन था और ये अंडा, ये मेरे बेटे का खाना है, तो ये पराठे हैं, ये देखें पूरी पराठा। तो आ सकते हैं जी जिसको खाना खाना है हमारे साथ। तो आज का व्लॉग उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अच्छे से व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में हमें याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।